आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और मैं हूँ अनुश्रुति। आज हम यहाँ पर नेहरू प्लेस में खड़े हैं जो कि एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट माना जाता है। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश में ये जो राजनीति चल रही है कि हम भी चौकीदार और चौकीदार चोर है में से जनता किसे चाहती है कि वो देश का प्राइम मिनिस्टर बने। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या 2019 में नरेंद्र मोदी आएंगे या फिर राहुल गांधी। चलिए हमारे साथ एक सर जुड़ गए हैं, हम इनसे इनका नाम पूछेंगे। आपका नाम क्या है? इंदर राज कपूर। बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है कि अभी जो माहौल चल रहा है राजनीति में वो इसमें कौन आएगा, क्या मोदी आएंगे या फिर राहुल गांधी आएंगे? क्यों सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी ऐसे लगता है कि पब्लिक परेशान है, बिजनेसमैन है वो सब परेशान है, इसलिए हम कहते हैं कि राहुल गांधी आना चाहिए, जो ये बदलनी चाहिए राजनीति, इसने बहुत जुल्म किया। पिछले 70 साल से भी तो कांग्रेस ही थी, तो उस समय क्या अलग था और अब नरेंद्र मोदी के टाइम पे क्या अलग हुआ? अलग हो गया है, सब लोग परेशान है, पूछिए आप जाके दुकानों से। बिल्कुल, हम और लोगों से बात करेंगे। सर आप क्या बोलेंगे? मोदी सरकार आएंगे। क्यों? क्योंकि सर अच्छे काम कर रहे हैं वो। हमने इतने दिन यानी कि कांग्रेस की राज देखा, अब हम उनको मौका देना चाहते हैं, कुछ दिन उनका भी इंतजार कर लें। पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने ऐसा कुछ तो काम किया होगा जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार? बिल्कुल किए। कौन से काम? हमारे देश में इनको जो रोजगार है तो नहीं अभी हुआ है, हमारे देश में कुछ ये जैसे कि इकोनॉमी होता है। ठीक है, इनका कहना है कि मोदी सरकार को आना चाहिए क्योंकि हम अगर 70 साल दे चुके हैं कांग्रेस को तो 5 साल और मोदी को तो दे ही सकते हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। सर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी आनी चाहिए। क्यों सर? राहुल गांधी इसलिए आनी चाहिए कि जब से मोदी सरकार आई है, GST और तमाम तरह की इस तरीके की नोटबंदी से जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और बहुत सारे रोजगार भी चले गए, जहाँ पर लोग 500 काम करते थे आज की डेट में वहाँ पर 100 ही लोग काम कर रहे हैं। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जब से 5 साल से आए हैं तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है? मुझे नहीं लगता विदेशों के घूमने के अलावा कोई काम किया है उन्होंने। जी देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि विदेशों में मोदी सरकार का जो हमेशा वो जाते रहे हैं उसका क्या फ़ायदा हुआ है, यहाँ पर ये शख्स पूछ रहे थे। और लोगों से बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे, कौन आनी चाहिए 2019? मोदी जी। क्यों मोदी जी सर? जो मोदी जी ने कर दिया ये नई जनरेशन नहीं कर पाएगी। सर कौन सी नई जनरेशन, क्या उन्होंने क्या ऐसा काम किया? मैं पक्का कांग्रेस में मैं राहुल जी के बारे में बोलता हूँ। नहीं नहीं सर, उन्होंने आपने मोदी जी को अगर आप जा रहे हैं कि वो आए तो उनका कुछ काम देख के जा रहे होंगे, तो ऐसा क्या काम मोदी जी ने किया जो आप चाहते हैं कि वो आए? जिसने 70 साल से कुछ नहीं किया उसको पूछ रहे हैं, तो ये 4 साल में क्या कर पाएगा ये? बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि जी चलिए हम इनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर देखिए, मेरी भी डॉटर जो है अनएम्प्लॉयड है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई विल प्रेफर मोदी टू कम सेकेंड टाइम। तो ये क्योंकि उन्होंने जो है कुछ बिजनेस जरूर डाउन गए हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस तो बिल्कुल ही नीचे गया है, लेकिन फिर भी जो है जिस ईमानदारी से वो उन्होंने शुरुआत की है, नींव रखी है, तो उसको देखते हुए जो है उनको। लेकिन सर रफेल का तो मामला चल रहा है, वो तो ईमानदारी का मामला है ही नहीं। रफेल का जो मामला चल रहा है वो तो ईमानदारी का, तो अगर होता तो अब तक इनको अरेस्ट नहीं हो जाती, कुछ नहीं होने का। फाइल तो चोरी हुई है, वो सब नहीं, कोई चोरी नहीं हुई, उन्होंने कह दिया कि वो फाइल नहीं, वो फोटो स्टेट उसमें से निकाला है। बिल्कुल, तो देख लीजिए यहाँ पर जनता कह रही है कि भाई भले ही रोजगार ना हो लेकिन हम मोदी को ही लाएंगे। यहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि मोदी जैसा नेता इंडिया में ना कभी आया ना कभी आएगा। उनका कुछ काम जो आपको पसंद आया हो? बहुत काम है। कौन सा, एक दो आप अगर जनता को बताना चाहें तो? उन्होंने अभी जो काम किया ये फिलहाल आतंकवादियों का, अच्छा। वो आज तक ना कभी हुआ था ना कभी हो पाएगा। और जो आप जनरेशन, इस जनरेशन को जॉब नहीं मिल रही उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो खैर मिलेगा ही, अभी तो 4 साल हुआ ही है, इसमें क्या आप चाहेंगे? चलिए, तो मतलब यहाँ पर जनता का साफ साफ रुख देखा जा रहा है कि जनता चाहती है कि वो मोदी सरकार को ही दे, भले ही रोजगार आया हो या ना आया हो। हम और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की और क्या राय है, क्या वो राहुल गांधी को सोचते हैं या फिर वो सोचते हैं कि पीएम मोदी दोबारा आए। जी सर आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी के राज में सिर्फ एक आदमी परेशान है जो करप्ट है। अच्छा, करप्ट के अलावा कोई परेशान नहीं, ओनली करप्ट पीपल इज आर इन ट्रबल।
जिनकी चलती थी। अब तुम ये देखो, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थे, कुछ भी नहीं थे, करोड़ों रुपए साले कमाते थे, BMW में चलते थे, टैक्स के नाम पे जीरो पैसे देते थे। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार के अब से मोदी ने जो GST लाया, कुछ लाया, लोग अपने एक सिस्टम में तो आए जी। तो सर आप ये क्या कहना, इस पे क्या कहना चाहेंगे कि अब जो है यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों का विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है जब से मोदी सरकार आई है? पब्लिक में हिंदू मुस्लिम विवाद कुछ मायना नहीं रखता ना, है ये सिर्फ क्रिएशन है, ओनली क्रिएशन। चलिए और लोगों से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सब लग रहे हैं कि मोदी सरकार के ही सपोर्ट में, सब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के राज में कोई भी करप्शन नहीं हुआ है, जबकि 70 साल में कांग्रेस ने काफ़ी सारे करप्शन किए हैं। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मोदी जी के जो बोल्ड डिसीजंस हैं, वो हमारे देश में कोई और लीडर उसके मुकाबले वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता देश के लिए। चाहे वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करें या अच्छे हों, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर जो मोदी के पास में है, शायद आज तक इंदिरा गांधी के बाद कोई नेता ऐसा आया इसके पास वो बोल्ड डिसीजन पावर है। और प्रियंका गांधी पे आपका क्या ख्याल है? वो ठीक है, वो पहले भी कांग्रेस की सपोर्ट करती थी, अब औपचारिक रूप से कर रही हैं, पहले भी करती थी, लेकिन वो जब तक उनको बरतेंगे नहीं क्या कह सकते उनके बारे में। अगर प्रियंका गांधी को 2019 के लिए कांग्रेस का प्रधानमंत्री का फेस बनाया जाता है, तो क्या आप कांग्रेस को वोट देंगे? नहीं, आप किसी को कैसे प्रधानमंत्री कैसे बना सकते हैं, पहले भी ऐसे किया था। इंदिरा गांधी के जाने के बाद राजीव गांधी जो पायलट थे उनको प्रधानमंत्री आपने बना, तो क्या राजीव गांधी ने काम नहीं किया था? जरूरी है कि प्रियंका गांधी भी काम कर पाएंगी क्या? आप मोदी जी को तीन बार मुख्यमंत्री बनाने के बाद प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो आप देख पाते हैं कि गुजरात में क्या किया, वो क्या कर सकते हैं। आप किसी को ऐसे ही दोस्त, एक ऑपरेशन के लिए आप किसी डॉक्टर को डायरेक्टली भेज देंगे MBBS कोर्स करने के बाद में? पहले वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेगा, कहीं साथ में डॉक्टर के काम करेगा, तभी तो वो ऑपरेशन कर सकता है। चलिए, तो यहाँ पर तो लोग प्रियंका गांधी पर भी कह रहे हैं कि उन्हें जो है अभी प्रधानमंत्री के रूप में जनता नहीं देख पा रही है। और लोगों से प्रियंका गांधी पर राय लेते हैं कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से अभी UP में काम कर रही हैं, उस पर लोगों का क्या कहना है? चलिए सर आप बता दीजिए। हाँ जी मैम, कोई नहीं है प्रियंका गांधी, बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है प्रियंका गांधी? अभी अभी तो उनकी एंट्री हुई है मैम, उससे फायदा क्या होगा फिर? मैम अभी तो केवल इंदिरा गांधी के सकल होने से प्रियंका गांधी के पास कंटेंट नहीं है। और जो वेरी डिफरेंट थिंग, और जो वो योगी सरकार के ऊपर क्वेश्चंस कर रही हैं कि गन्ना किसान वहाँ के जो है एकदम ध्वस्त हैं, उनके ऊपर आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो उसमें क्या? मैडम एक चीज बताओ, 17 ईयर्स आपकी सरकार थी, आपने किया, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए किसी सरकार को आप 3 साल में थोड़ी जज कर लेंगे? और 5 साल सर, 5 साल, 5 साल अभी हुए कहाँ है, टेन्योर अभी पूरे कहाँ है, योगी का पूरा हो गया टेन्योर, अभी तो 2 ही साल हुए हैं ना। मैं मोदी सरकार की बात कर, नहीं मोदी सरकार की अभी तो 4.5 साल हुए है, और 4.5 साल में देखो, आप किसी भी सिटी को ले लो, बनारस को ले लो, बनारस की क्या हाल होती थी उसको देख लो आप, प्रयागराज की क्या हाल थी उसको देख लो, वहाँ पे जो करप्शन थे, जो गुंडागर्दी थी, उसको सारे को खत्म किया ना, तो धीरे धीरे ही तो होएगा ना। तो एक बाय का ऐसा थोड़ी है कि जादू के छड़ी है, पूरे 22 करोड़ पे घुमा दिया काम खत्म। तो आप क्या, तो आप किस बेसिस पे जो है वोट देंगे इस बार? बेसिस क्या है, जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो अगर करेक्ट वे में हम जा रहे हैं तो उसी को देख करके हम ये करेंगे ना। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट पे लोगों को मोदी को वोट देंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक और बात करेंगे कि एजुकेशन जो है वो इंडिया की एजुकेशन पे बात करेंगे, यहाँ पे कोई भी एजुकेशन पे बात नहीं कर रहा है। तो अब हम एक पॉइंट लाते हैं एजुकेशन को, क्या इंडिया की एजुकेशन में सुधार हुआ है? काफ़ी सुधार हुआ, हर जगह, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, और आज तक ऐसी सरकार कोई आई नहीं थी हमारे इंडिया में। 70 ईयर हो गए भारत को आज़ाद हुए, लेकिन ऐसा सरकार नहीं है जो कोई करके नहीं दिखाया, तो वो करके दिखाए। बदनाम करने के लिए तो कोई किसी को कुछ भी कह सकता, विरोध किसका होता जो सत्ता में रहता। आज ऐसी हमारी सरकार है, गली में कूचे में सब इनको जानने लगे, इनके वर्क से, दिस वर्क इज रियल वर्क, वास्तविक कार्य करके दिखाया। और आज तक मैंने ये नहीं देखा था कि जिसके साथ जुर्म हुआ या वो कैद हैं वो सुरक्षित आए, नहीं आए थे, लेकिन इनकी सरकार में सुरक्षित आए और मुंह तोड़ जवाब भी दिया। ऐसी सरकार हमें चाहिए हमेशा के लिए, अगर यही सरकार शुरू से होती आज भी हमारी इंडिया सोने की चिड़िया। नहीं, एजुकेशन तो जरूरी है, उससे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना किसी के लिए भी। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे टेक्नोलॉजी सीखोगे, क्या क्या सीखोगे? क्या मोदी सरकार की उसमें राज में एजुकेशन बढ़ा है? हाँ बढ़ी रहा है, वो आस्ते आस्ते बढ़ेगा ही, सब कुछ जो भी है। ये तो ना कि एकदम से कोई घुमा के दे देगा, लो जी तुम ये बन जाओ और ये बन जाओ, ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। हर किसी को, आप भी अपना घर बनाओगे तो टाइम तो लगेगा ना एस्टेब्लिश करने के अंदर।
जो अब सब एक साइड में इकट्ठे हो गए तो वो पहले से बहुत बढ़िया थे, इतने अच्छे थे, तो वो भी करते हैं ना इस काम को जो है। तो जो मोदी जो कर रहा है इस वक्त, टाइम तो लगेगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा और देना भी चाहिए उन लोगों के पास में, क्या होगा। तो मतलब इस बार आप मोदी को वोट करने वाले हैं? मोदी को कर देंगे वोट, जो काम करेगा उसी को देंगे ना। सब तो लूट लूट के रख रहे हैं, मैं बन गया आज मंत्री तो मैं ही 5 साल में, अब क्या देखना है जाके, पब्लिक के पास कौन आएगा यहाँ पर, आता है कोई देखने के लिए फिर? चलिए ठीक है, वो तो केजरीवाल की वजह से आया हुआ है, कहाँ पे मोदी की वजह से आया हुआ है। जितने भी गवर्नमेंट आप संस्था में आप देखेंगे तो केजरीवाल जी ने जो किया है, आज पूरी विधानसभा में, एक एक विधानसभा में आप देखिए 15-15 नए स्कूल्स बन रहे हैं, हर स्कूल में डिजिटल बोर्ड लग रहे हैं, साइनिंग बोर्ड लग रहे हैं, तो किसकी वजह से? मोदी जी नहीं कर रहे हैं इन, उसमें केजरीवाल जी कर रहे हैं टोटली काम, जो है केजरीवाल जी की। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं एजुकेशन में, 70 साल हो गए, किसी भी मिनिस्टर ने झांक कर नहीं देखा था सरकारी स्कूलों की तरफ, सरकार की स्कूलों की तरफ किसी ने झांक कर नहीं देखा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया, अगर हम दर्शकों को बता दें कि इनके आंकड़े बिल्कुल सही हैं, केजरीवाल ने ही यहाँ पर आके गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है एम्प्लॉयमेंट लाई है, नए नए टीचर्स लाए हैं, इनके आंकड़े बिल्कुल सही हैं। तो अब हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या दिल्ली से केजरीवाल को सांसद बनना चाहिए या नहीं, इस पर भी हम एक बार बात कर लेते हैं लोगों से। सर आपको लगता है कि केजरीवाल को यहाँ से सांसद बनना चाहिए? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो 50% है, जो कि किसी और क्या बोलते हैं स्टेट में नहीं है, आपको उससे मतलब नहीं। वाटर की आपको फ्री टैक्सेस फ्री है यहाँ पर, तो उससे आपको मतलब नहीं है। एजुकेशन आपकी अच्छी हुई है? मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मोदी ही चाहिए। क्यों? मोदी जो इंडिया के बाहर भी नाम तो कर रहा है, इंडिया का नाम अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ मोदी है। चलिए ठीक है, यहाँ पर सब लोग चाहते हैं कि मोदी जो है बने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा सत्ता में आना चाहिए और फिर से वही सारा काम करना चाहिए जो कि वो कर रहे हैं। तो ऐसे में ये थी नेहरू प्लेस के लोगों की राय, और वो कह रहे हैं कि हर हर मोदी, हर घर मोदी। SPN9 न्यूज से अनुश्रुति की रिपोर्ट।